listen to me. Okay. See, today we are going to talk about this movie Made in China. और ये Made in China से हम लोग क्या business lessons ले सकते हैं? There are a few lessons which are personal life lessons also, but we'll focus on business lessons. I will talk about personal life lessons along with the business lessons. But primarily हमारा focus जो होगा, that is on business lessons which one can learn from this movie. तो आप में से जिसने मूवी देखा है, can you type yes? आप में से जिसने देखा है, यस टाइप करिए. कोई देखा नहीं है क्या? Nobody has seen this movie? ओल्ड मूवी शायद मेड इन चाइना, वो अक्षय कुमार का था, वो नहीं, या अभी नया राजकुमार राव का, नहीं देखा है. कर्नल, यू आर नॉट सीन इट. ओके, यू हैव नेवर हर्ड द नेम आल्सो. ओके, ये राजकुमार राव का मूवी है, अभी 2 साल पहले आया था. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप आज तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन ये मूवी भी आप देख लो. नॉट ए वंस, यू शुड वॉच इट 2-3 times. बहुत सारी लर्निंग्स ये मूवी में है, बिजनेस मैन के लिए बहुत लर्निंग है. तो आज मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग जनरल बिजनेस की बात करेंगे. बिजनेस में भी सेल्स का फोकस भी हम लोग बात करेंगे, बिकॉज बिजनेस आई बिलीव इज सेल्स एंड मार्केटिंग इज बिजनेस. अगर सेल्स मार्केटिंग नहीं हो रहा तो बिजनेस नहीं होगा. तो वी विल डिस्कस दिस टूडे, दिस मेड इन चाइना, विच इज अ मूवी जिसमें राजकुमार राव ने एक्टिंग किया हुआ है, एक नया डायरेक्टर है, और उसमें बहुत अच्छे रोल है परेश रावल और बमन ईरानी के. And Paresh Rawal का तो एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड he has spoken, it is worth its weight in gold. बहुत जबरदस्त डायलॉग परेश रावल के है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. बहुत सारी चीजें हम लोग को आज मालूम पड़ेगी. ये वीडियो में कल, दैट इज बाय मंडे इवनिंग आई विल अपलोड ऑन YouTube. तो आप इसको बाद में, अगर आपको वापस, इफ यू वॉन्ट रिफर, यू कैन गो टू द YouTube. मेरा जो चैनल है प्रशांत सावन बॉलीवुड, आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल पे आप पहुंच जाओगे, जिसमें ये वीडियो होगा. जैसे लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन के ऊपर किया था, वो भी उसमें है. सो लेट अस स्टार्ट. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टाइम, सब लोग पहुंच गए हो. लेट अस स्टार्ट. लेट अस फॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस. ये एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर होना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ये वर्ड बहुत बार हमने सुना होगा. लॉट ऑफ टाइम वी मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, आई वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर, आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन. सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस. और ये डिफरेंस ये मूवी में बताया हुआ है, ये मूवी में इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज बिजनेस. या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो इन योर ओपिनियन, कैन यू टेल मी व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? कैन यू टाइप व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक इज एंटरप्रेन्योरशिप? और वो बिजनेस से अलग है, इट इज नॉट बिजनेस, इट इज समथिंग, देयर इज समथिंग डिफरेंट इन देयर एज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न. सो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं मतलब क्या? वेयर स्किल इज रिक्वायर्ड. ओके, स्किल एक्चुअली इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस. यस, टू टेक रिस्क इज एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्क. क्या बात है, होल एंड सोल ऑफ बिजनेस. To do more effective franchise. नहीं, आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, और बनते भी है वो, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं बन पाते, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको बिजनेस नहीं आया तो एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाएगी. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये मूवी में बताया हुआ है. एंटरप्रेन्योरशिप इज आइडिया जनरेशन. आपके अगर मन में कोई आइडिया आता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये मार्केट में प्रॉब्लम है और ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये आइडिया है, मेरे मन में एक आइडिया आया हुआ है जिसकी वजह से मार्केट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये जो आइडिया जनरेशन है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. आइडिया को जनरेट करना, जो जैसे आप देखो स्टार्टअप्स वाले जो ना स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप वाले व्हाट दे से, वी आर, आई एम एंटरप्रेन्योर बिकॉज ही हैज कम अप विद सम आइडिया. फ्लिपकार्ट इज अ आइडिया, ओला इज अ आइडिया, उबर इज अ आइडिया.
OLX इज आइडिया, तो आइडिया के ऊपर उन्होंने काम चालू किया, इसके लिए वो एंटरप्रेनर है. ओके, सो आइडिया जनरेशन जो है दैट इज एंटरप्रेनरशिप. देन व्हाट इज बिजनेस? अगर आइडिया जनरेशन इज एंटरप्रेनरशिप है, एंटरप्रेनरशिप मतलब आइडिया जनरेशन, देन व्हाट इज बिजनेस? बोलो कोई, अरे प्रॉब्लम नहीं, आप गलत हो जाओगे ना, और क्या है, मुझे भी कहां मालूम था, ये मूवी में मुझे एक्चुअल डिफरेंस मालूम पड़ा फ्रेंकली स्पीकिंग. आइडिया से ही कनेक्टेड है. आपके मन में अगर एक अच्छा आइडिया आया तो क्या आपका बिजनेस होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज बिजनेस. वो आइडिया को सक्सेसफुल करने के लिए जो करना पड़ेगा दैट इज बिजनेस. सो व्हाट इट इज, क्या लगता है आपको? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज आइडिया जनरेशन एंड बिजनेस इज. वो आइडिया सक्सेसफुल कैसे होगा? वो आइडिया से आपको पैसे कैसे मिलेगा? यू हैव सम आइडिया, हाउ कैन यू मोनिटाइज? लेन देन, मार्केटिंग. यस, मार्केटिंग से भी. ओके, पहले बात तो मेरे को बताइए, मार्केटिंग जो है वो क्या है? ये बात संजय, यू आर राइट, मार्केटिंग होना चाहिए, लेकिन व्हाट इज मार्केटिंग ऑफ आइडिया? आपके मन में कुछ आइडिया, ओला का आइडिया आ गया कि ऐसे ऐसे आइडिया है, गाड़ी है. इंप्लीमेंटेशन इज नॉट मार्केटिंग, मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट. कोई आपके मन में आइडिया आ गया तो आपने उसका मार्केटिंग किया, मतलब क्या किया? स्प्रेडिंग, स्प्रेड किया, बराबर है, स्प्रेड किया, वो आइडिया एडवर्टाइजमेंट किया, करेक्ट. वो एडवर्ट, मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द मार्केट. मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द मार्केट और जनरेट नीड इन द माइंड्स ऑफ पीपल. ठीक है, सो मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. फिर सेल्स क्या है? बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग दो अलग अलग चीजें है. मार्केटिंग इज क्रिएटिंग अवेयरनेस और सेल्स मीन्स, जैसे मैं बोलता, बिजनेस इज सेल्स, बिजनेस इज मार्केटिंग एंड सेल्स बोथ, बट इट इज प्राइमरली सेल्स. क्योंकि अगर सेल्स नहीं हुआ तो बिजनेस बंद हो जाएगा, वो आइडिया मर जाएगा. एक्चुअल सेल्स मतलब क्या? सेल्स में क्या होता है? मार्केटिंग में तो लोगों को मालूम पड़ता है ऐसा कर रहे हो, दिस इज योर आइडिया, पीपल कम टू नो. लेकिन व्हाट हैपेंस इन सेल्स? प्रॉफिट. सेल्स में पैसा आता है, प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस होगा. लेकिन व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट, संजय, सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मींस व्हाट? सेलिंग मींस गेटिंग मनी फॉर व्हाट यू आर डूइंग. To do marketing advertising and to go market and concerns are rated for. बराबर है, तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, आपने मार्केटिंग किया है तो आपने अवेयरनेस क्रिएट किया है. फिर आप मार्केट में जाओगे और उसको सेल करोगे. सेल करोगे मतलब उसको दे के पैसा लोगे. अगर ये सेल नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा. इसके लिए 90% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन फर्स्ट 5 years बिकॉज दे आर वेरी गुड आइडिया, दे हैव वेरी गुड आइडिया, बट द आइडिया सेल्स सबके बस की बात नहीं है. जो सेल्स नहीं कर पाएगा वो आइडिया, इसके लिए देर आर टू डिफरेंट, आई वुड से दीज आर टू डिफरेंट पीपल. एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस पीपल आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. एंटरप्रेन्योर ही हमेशा सोचता रहता है नया नया आइडिया, और बिजनेसमैन आइडिया को लेके मार्केट में जाके उसको बेचता है. तो बिजनेसमैन को शायद नया आइडिया नहीं आएगा, लेकिन वो आइडिया को बेच सकता है. और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शायद सेलिंग नहीं है, उसको सेल करने नहीं आएगा, लेकिन आइडिया उसके मन में आएगा. इसके लिए अगर आप बिजनेस कुछ भी कर रहे हो और आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो आप ये देखो कि अगर मैं आइडिया वाला आदमी हूँ, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, तो मेरे पास जो आदमी, मेरा जो पार्टनर होगा वो सेल वाला आदमी होना चाहिए. जैसे मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल का उस दिन मैंने इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला कि मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मैं बिजनेस जनरेशन कर सकता हूँ. और रामदेव अग्रवाल इज एक्सट्रीमली स्मार्ट इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ही वॉज, मतलब सी ए है और उसको सारी चीजें मालूम है. तो उसका नॉलेज और मेरा सेलिंग स्किल, इसके लिए मोतीलाल ओसवाल बिजनेस बहुत बड़ा हो गया. बराबर है, तो रामदेव अग्रवाल का दिमाग, स्टॉक मार्केट का दिमाग, और मोतीलाल ओसवाल का सेलिंग स्किल्स. इसके वजह से आप मोतीलाल ओसवाल का वर्ली में जाओगे तो बड़ा, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मोतीलाल ओसवाल लिखा हुआ. ओके, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये मूवी में एक चीज बताया हुआ है कि फेल्यूर जो है उसको हेड ऑन लेना चाहिए, फेल्यूर से डरना नहीं चाहिए. क्योंकि कोई भी बिजनेस हो उसमें फेल्यूर तो आएगा ही, क्योंकि कोई भी नया चीज आप करने जाओगे तो फेल्यूर तो आएगा ही. अगर आप गिटार उठाओगे और गिटार बजाना चालू करोगे तो इनिशियली वो गिटार से नॉइस आएगा,
लेकिन आप बार बार वो गिटार बजाओगे तो उसमें से म्यूजिक आएगा. तो इट टेक्स टाइम फॉर नॉइज फॉर द जर्नी फ्रॉम नॉइज टू म्यूजिक. तो फेल्यूर का स्पेलिंग मैंने क्या लिखा है, फेल्यूर. इसका मीनिंग क्या लगता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग दैट फेल्यूर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूर. मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूं, फेल्यूर में भी ल्यूर ये वर्ड है, ल्यूर, एल यू आर ई. फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, फेल्यूर मीन्स फेल्यूर अपनी तरफ खींच रहा है, ल्यूर इज पुलिंग, पुलिंग यू टुवर्ड्स. फेल्यूर इज समथिंग विच शुड पुल यू टुवर्ड्स इटसेल्फ. जो फेल्यूर की तरफ जाएगा, बार बार जाएगा, उसी को सक्सेस मिलेगा. अगर कोई बाहर जाएगा, अट्रैक्शन, ल्यूर इज अट्रैक्शन. पीपल शुड हैव, अ बिजनेसमैन शुड हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स फेल्यूर. ये मूवी में उसको उसके 13 बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं, 13 बिजनेसेस नहीं बोलूंगा, आइडिया फ्लॉप होते हैं. आइडिया बिजनेस ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आइडिया फ्लॉप हुआ कि बिजनेस फ्लॉप है, दोनों चेक करना पड़ेगा. विल डिस्कस दैट इन फर्दर स्लाइड्स, फर्दर सेंटेंसेस. लेकिन फेल्यूर मतलब जो जो बिजनेसमैन फेल्यूर की तरफ जाता है, बार बार जाता है. जैसे ध्रुव अंबानी बोलते थे, फेल फास्ट, फेल ऑफन एंड फेल फॉरवर्ड. फेल फास्ट, बार बार फेल होना चाहिए, फेल ऑफन और फेल फॉरवर्ड. ओके, तो क्यों ऐसा क्यों है? ये भी धीरूभाई अंबानी बोलते थे कि वी हैव टू सेलिब्रेट फेल्यूअर, वी हैव टू सेलिब्रेट फेल्यूअर, वी हैव टू सेलिब्रेट फेल्यूअर. तो आपके हिसाब से फेल्यूअर में सेलिब्रेट करने जैसा क्या है? व्हाई फेल्यूअर शुड अट्रैक्ट यू बिकॉज एंड व्हाई यू शुड सेलिब्रेट फेल्यूअर, व्हाई? वो बिजनेस के लिए अच्छा क्यों है? आपको फेल्यूअर आना बिजनेस के लिए अच्छा क्यों है? अमिताभ बच्चन का 13 पिक्चर फ्लॉप हो गया, अक्षय कुमार का 26 पिक्चर फ्लॉप हो गया, अब ये रघु मेहता जो कैरेक्टर हीरो है ये पिक्चर में, उसके 13 बिजनेसेस फ्लॉप, 13 टाइम्स ही इज फेल्यूर, एंड देन उसका नेक्स्ट आइडिया क्लिक होता है. टीचर्स अ लेसन व्हाट नॉट टू डू, यू गेट सम लर्निंग, करेक्ट, लर्निंग, वेरी गुड. सो लर्निंग इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड. लर्निंग विल लीड टू अर्निंग, लर्निंग विल लीड टू अर्निंग. पीपल वॉन्ट टू अर्न बट दे डोंट वॉन्ट टू लर्न. जो आदमी जल्दी लर्न करेगा उतना जल्दी अर्न करेगा. यू कैनॉट अर्न विदाउट लर्निंग, एंड फेल्यूअर इज अ ग्रेट टीचर. फेल्यूर इज अ ग्रेट टीचर प्रोवाइडेड यू टेक इट एट दैट वे. मतलब फेल्यूर होने के बाद दुखी होने से बजाय यू शुड बी क्यूरियस. इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड बिकॉज ऑफ फेल्यूर, वी शुड बी क्यूरियस. वी शुड बी आस्किंग अवर सेल्फ कि मैं इधर फेल क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, व्हाट आई कुड हैव डन बेटर, ये हमने फाइंड आउट करना चाहिए. अगर हमें वो मालूम पड़ा कि यस ये मेरा गलती हुआ, धीरूभाई अंबानी बोले कि आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स बट एवरी टाइम आई हैव लर्न समथिंग, एंड धीरूभाई अंबानी सेड आई नेवर रिपीटेड माय मिस्टेक अगेन. एक मिस्टेक किया, बात खलास, फिर से नहीं किया. अगर आप फेल्योर एक बार फेल होते हो उसमें सीखते हो तो सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन बार बार उसी में फेल हो रहे हो तो कोई मतलब नहीं, तो जाके कहीं जॉब करना चाहिए. Yes, बहुत सारी चीजें आपको मार्केट से मालूम पड़ेगी. When you, because every failure, failure is a great teacher. तो ये मूवी में जो रघु मेहता, अहमदाबादी, अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन लड़का है रघु मेहता, वो क्या करता है, उसको उसके बिजनेस से 13 आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं. अभी ये कंफ्यूजिंग है और ये डिबेटेबल है कि उसका आइडिया फ्लॉप हुआ कि बिजनेस फ्लॉप हुआ, ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा आइडिया था कि शायद उसकी नीड नहीं थी मार्केट में, या वो आइडिया मार्केट में चलने वाला नहीं था, या वो बिजनेस मॉड्यूल बराबर नहीं था. कभी कभी आइडिया खराब हो सकता है, कभी बिजनेस खराब हो सकता है, ये नेवर नो. इसमें बोल नहीं सकते बिकॉज रघु मेहता ने पहले कौन से बिजनेस किए वो ज्यादा उन्होंने बताया नहीं है. एक खाली वो चटाई का बिजनेस करता है, नेपाल की चटाई. वो बिजनेस जब पिक्चर चालू होता है तो नेपाल वाले चटाई लेके आते, बेच रहा है और बिक नहीं रहा है, उस तरह दिखा हुआ. तो आइडिया मतलब अगर आप कल बोलोगे कि यार मैं पेजर बेचना चालू करता हूँ, आई हैव आइडिया ऑफ पेजर, तो पेजर का आइडिया आप निकालोगे तो कोई लेने वाला ही नहीं क्योंकि मोबाइल है. तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि आइडिया कौन सा सही है जो आगे जाके लोगों को फायदा देगा, लोगों को कुछ फायदा करेगा, वो आइडिया भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन मालूम है मोस्ट ऑफ द पीपल
आप मुझे बताइए, आप सब लोग बिजनेस में हो तो आप लोग को कंपटीशन फेस हो रहा है क्या? आपको कंपटीशन फेस हो रहा है, यस और नो? आर यू फेसिंग इंटेंस कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस, या आपका प्रोडक्ट है और किसी का प्रोडक्ट है, वो बोलता है मेरा प्रोडक्ट इतने का है आपका, तो कंपटीशन हो रहा है? प्रशांत जी सिंह, यस प्रशांत इंगड़े, टू सम एक्सटेंट शरद, Qcom, BTD, नाम पता नहीं, लेकिन यू आर ऑल्सो सेइंग यस। सो मोस्ट ऑफ द पीपल फेस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, और उसका एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, दे आर वर्किंग ऑन समबडी एल्सेस आइडिया, दे आर नॉट क्रिएटेड देयर ओन आइडिया। अगर आप अपना कोई आइडिया निकालोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। यू विल नॉट हैव कॉम्पिटिशन बट यू विल बी कॉम्पिटिशन। आपका खुद का कुछ आइडिया होना चाहिए। ये पिक्चर आप देखोगे, वो खुद की एक जबरदस्त आइडिया निकालता है जो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर वो आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया क्या मैं बताऊंगा तो आपको पिक्चर देखने का मजा चला जाएगा। तो जिसने भी पिक्चर, बहुत सारे लोगों ने ये देखा नहीं है शायद, तो आप ये पिक्चर देखो एक बार नहीं, कम से कम 3 बार देखो, क्योंकि एक बार हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं ना तो पिक्चर ऑडियंस की तरह देखते हैं, दूसरी बार जब देखते हैं ना तो हम लोग फिर उसमें से अच्छी चीजें ढूंढते रहते हैं, और तीसरी बार देखते हैं तो हम उसको एंटीसिपेट करते हैं कि हाँ अभी ये डायलॉग आने वाला है, हाँ अभी ये चीज आने वाला है, एंड देन वी एक्चुअली लर्न। सो इसके लिए मैं मूवीज जो है कम से कम 2 या 3 बार तो देखता ही हूँ, इफ आई लाइक द मूवी, देन वी गेट लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस। जैसे ये मूवी मैं आपको बोलूंगा कम से कम 3 बार देखो, आपका बिजनेस वो 12x कर देगा, 12 टाइम्स बढ़ा देगा। तो आप अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा आपके पास आइडिया है आपके बिजनेस के लिए जो अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है। अगर आप जो आइडिया यूज कर रहे हो, जैसे कोई सेल्स में है तो बोलता है मैं टेलीकॉलर रखा, अरे 550 साल से वही हो रहा है। कोई बोला मैं पैम्पलेट बांट दिया, अरे 1000 साल से वही हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट? आपके पास ऐसा कौन सा आइडिया है? वो फ्लॉप भी हो सकता है, नॉट सेइंग वो चलेगा ही, लेकिन कोई डिफरेंट आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया डिफरेंट है तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्लीज माई रिक्वेस्ट इज, व्हाट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, आस्क यूर सेल्फ कि व्हाट इज द न्यू आइडिया विच आई कैन ब्रिंग टू द टेबल। ओके, तो फेल्यूर का आप देखोगे ना, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फेल्यूर में, जैसे आप अगर जाओगे, आप सक्सेस ढूंढ रहे हो तो आप देखोगे कि दरवाजे पे लिखा है फेल्यूर, तो आप उसके अपोजिट ढूंढोगे कहां सक्सेस है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो फेल्यूर का दरवाजा खोल के अंदर जाओगे, फिर से एक फेल्यूर का दरवाजा होगा, फिर से एक फेल्यूर का, 10-15 दरवाजे खोलने के बाद आपको सक्सेस का दरवाजा मिल सकता है। सक्सेस इज इनसाइड फेल्यूर, नॉट आउटसाइड फेल्यूर। तो फेल्यूर शुड ल्योर यू, फेल्यूर शुड अट्रैक्ट यू। इफ यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेल्यूर, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर, यू विल बी अर्निंग फ्रॉम फेल्यूर वन डे, बिकॉज फेल्यूर ओनली आपको पैसा दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बिजनेस सक्सेस फॉर्मूला, बिजनेस सक्सेस फॉर्मूला। ये रघु मेहता जो है, 13 बार उसका बिजनेस फ्लॉप होने के बाद, उसका आइडिया फ्लॉप होने के बाद, फिर भी वो जाके 14th बिजनेस के ऊपर चला जाता है। तो ये बिजनेस सक्सेस का फॉर्मूला उसमें छुपा हुआ है। अब ये जो रघु मेहता करता है कि फिर से वापस जाता है, तो उसमें वो फॉर्मूला छुपा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखो क्या है वो फॉर्मूला, इज बिजनेस सक्सेस इज अबाउट गोइंग फ्रॉम फेल्यूर टू फेल्यूर, बिजनेस सक्सेस इज अबाउट गोइंग फ्रॉम फेल्यूर टू फेल्यूर विदाउट लॉस ऑफ, क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द आंसर टू दैट क्वेश्चन मार्क? अगर ये आपको आइडिया आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपका बिजनेस का सक्सेस 100% गारंटेड है। You will be able to snatch the circle, sir. Yeah, क्या बात है? Very good, very good, excellent. Pradeep is saying hope. Daksh and Rajendra Apte, they are saying enthusiasm. This is very, very important. Enthusiasm. ये patience का, patience अच्छी बात है, लेकिन enthusiasm होना चाहिए आपकी body में, enthusiasm होना चाहिए। When customers meet you, आप जिसको जो भी बेचने जा रहे हो, वो आपको जो मिलता है, तो आपकी body बोलनी चाहिए कि I'm so enthusiastic. मुझे मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस है, मेरी कंपनी है, मैं, मुझे इतना जबरदस्त, मेरे अपने आप पे भरोसा है कि आपका फायदा होने वाला ही है, वही चीज बिकेगा। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग द एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर, सेम एनर्जी लेवल, करेक्ट, वेरी गुड। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग द एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर मैं एंथुजियाज्म बायर को दे सका हूं तो ही वो मेरी चीजें खरीदेगा। यस, होप, उम्मीद। अभी एंथुजियाज्म क्या है, एंथुजियाज्म कैसे आएगा अपनी बॉडी में? तो एंथुजियाज्म में जो लास्ट 4 लेटर्स है, ये जो लास्ट 4 लेटर्स है ना, IASM, एंथुजियाज्म के जो लास्ट 4 लेटर्स है, इनका भी मीनिंग है। किसी को मालूम है क्या, जो लोगों ने मेरा पहला कभी सेशन अटेंड किया होगा उनको पता नहीं होगा शायद, एनीबॉडी नोज व्हाट आई वांटेड टू से बाय IASM,
अगर ये IASM है तभी आपके बॉडी में एंथुजियाज्म आएगा और तभी आप फेल्यूर से फिर दूसरे फेल्यूर पे जाओगे, जो रघु मेहता के पास था, ये मेड इन चाइना में रघु मेहता के पास एंथुजियाज्म था, अ चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट फेल्यूर, पर्सन हु कीप्स ऑन ट्राइंग, वैसा आदमी था। तो IASM का मतलब है आई एम सुपरमैन, ये बात भी सही है IASM, लेकिन ये है आई एम सोल्ड माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है, मैं जो भी बेच रहा हूं, उसके ऊपर पूरी तरह बिक चुका हूं, आई एम टोटली इन लव विथ वॉट आई एम सेलिंग। यू हैव टू बी टोटली इन लव विथ वॉट यू आर सेलिंग, देन ओनली यू कैन से आई हैव एंथुजियाज्म। अगर आपके अंतरात्मा आप जो बेच रहे हो उसको नहीं मानती, आपको लगे यार ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं खरीदू, मैं बेच तो रहा हूँ लेकिन दूसरे के लिए बेच रहा हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा, तो आपकी बॉडी बोल देगी कि यू डोंट हैव एंथुजियाज्म। बट वेन यू आर एंथुजियास्टिक यू विल लव योर प्रोडक्ट लाइक योर ओन लाइफ, और तभी वो सामने वाला आपके बातों में वो खींचा चला जाएगा और वो एंथुजियाज्म ले लेगा। वही एंथुजियाज्म लिया मतलब क्या लिया, उसने प्रोडक्ट जो करता है वो लिया और आपको प्रोडक्ट का पैसा दे देगा। एवरीबॉडी इज क्लियर अप टिल दिस पॉइंट, कैन वी गो अहेड, प्लीज टाइप यस इफ यू आर क्लियर, एनी डाउट यू कैन आस्क मी हियर, नहीं तो आगे चलेंगे। थैंक यू, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी उसमें वो मूवी में एक आपको मालूम है गजराज राव, ये अभी बहुत अच्छा एक्टर, बड़ा एक्टर बन गया है, तो उसमें उसने एक मोटिवेशन कोट बताया है, अच्छा डायलॉग है, मोटिवेशन डायलॉग, इसके लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। वो अच्छे हेल्थ के लिए डायलॉग बहुत सही, वो क्या है, वो क्या बोलता है, जिंदगी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसका एडमिन कौन होगा आपके हिसाब से, अगर जिंदगी व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसका एडमिन कौन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बिजनेस पीपल, एडमिन एडमिन कोई और है, गुड हेल्थ नहीं, ये दुनिया में सबसे बड़ा एडमिन कौन है, जिसके इशारे पे सब चलता है, गॉड, वेरी गुड, परफेक्ट रितेश, गॉड। तो उसने क्या बोला है कि एनबी गॉड, और गॉड उसका एडमिन है, ऊपर वाला, सही है, गॉड उसका एडमिन है। तो वो क्या बोलता है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आप जिंदगी में हेल्दी कैसे रहोगे, तो अभी ये कोरोना और ये पैंडेमिक के चक्कर में ये डायलॉग अच्छा है, जिंदगी एक व्हाट्सएप ग्रुप है और वो ग्रुप का एडमिन है गॉड। हम लोग खुशियां फॉरवर्ड करते रहना चाहिए, खुशियां फॉरवर्ड करना चाहिए, गम नहीं, मतलब जो भी आपसे मिलेगा उससे आप हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी की बात करनी चाहिए। ऐसा वाले वार्ड लग गया मार्केट में, ऐसा है, ये हुआ है, वो हुआ है, रोना नहीं चाहिए, जो भी है ढूंढना चाहिए, अच्छा क्या है वो ढूंढना चाहिए। आई नो शायद निगेटिव बहुत है लेकिन पॉजिटिव भी होगा, जो घड़ी बंद है वो भी दिन में दो बार सही समय बताती है, अपना अवर आउटलुक शुड बी पॉजिटिव। सो खुशियां फॉरवर्ड करते रहो, खुशियां फॉरवर्ड करते रहेंगे तो जिंदगी का डेटा अनलिमिटेड रहेगा, मतलब यू विल बी having a long life, healthy life, जिंदगी का डेटा अनलिमिटेड रहेगा, डेटा कभी खत्म नहीं होगा। जब भी दुख बांटोगे तो जल्दी ऊपर जाने का टिकट काटोगे। ओके, ये मोटिवेशन कोड समझ में आ गया आपको, प्लीज टाइप यस, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि आपको, आप देखोगे ना, हेल्थ योर हेल्थ, एक्चुअली इफ यू आर हैप्पी और हेल्दी, जो मुन्ना भाई MBBS में जो पिक्चर है उसमें क्या बताया, इफ यू आर हैप्पी यू आर हेल्दी, इफ यू आर हैप्पी यू आर हेल्दी। ओके, अभी जो एंटरप्रेन्योर के ऊपर एक हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर इसके ऊपर उसने बोला है, बहुत जबरदस्त ये परेश रावल का डायलॉग है, इसके लिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, ये पिक्चर आप देखो, जियो प्लेटफॉर्म पे है, ये हॉटस्टार पे या अमेजोन पे या नेटफ्लिक्स पे नहीं, जियो पे मैंने देखा है, तो जियो पे है। तो उसने क्या बोला है, कस्टमर का नीड एक ताला है, कस्टमर का जो नीड है ना वो ताला है,
हर एक कस्टमर का कुछ ना कुछ नीड है। अगर आप जो मार्केट में माल लेके जा रहे हो उसका नीड मार्केट में है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर कभी बन सकते हो? ताला तो मार्केट में है, तो आपको क्या चाहिए तब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे? ताले के रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एंटरप्रेन्योर बन गए? मास्टर की, वेरी गुड शरद भाई, मास्टर की बोल रहे हैं। और कुछ? What you should have, need analysis of the client. नहीं नहीं, अब ये ताले के बारे में आप देखो ना, इस कस्टमर का नीड एक ताले की तरह है। हाँ, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इसमें क्या, इसमें सोल्यूशन क्या है? ताले का सोल्यूशन क्या होता है? ताले का सोल्यूशन क्या है? हाउ टू ओपन, कैसे होता है ओपन, कौन ओपन करता है उसको? की, परफेक्ट की। तो ये बात समझ लो, एंटरप्रेन्योर आदमी कैसे बनता है, वेरी सिंपल वर्ड में मूवी में बताया हुआ है। आई थिंक दिस मूवी शुड बी टॉट इन मैनेजमेंट स्कूल, मैनेजमेंट स्कूल में सिखाना चाहिए, क्योंकि उसने बताया कस्टमर का नीड एक ताला है। और जिस दिन तुम्हें चाबी मिल गई, जिस दिन तुम्हें चाबी मिल गई, बराबर विलास, उस वक्त आप बन गए एंटरप्रेन्योर। सिंपल। कस्टमर का नीड एक ताला है, और जिस दिन तुम्हें वो ताले की चाबी मिल गई, आप बन गए एंटरप्रेन्योर। आप जो भी बेच रहे हो ना, जो भी आप माल बेच रहे हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, ये समझ लो कस्टमर का ताला जो है वो क्या है, इसकी नीड क्या है, और हाउ कैन आई गिव माय प्रोडक्ट एज अ चाबी। प्रोडक्ट करके मत बेचो, वो की चाबी करके बेचो, भाई देखो आपका ये नीड को, ये मेरा, मेरे पास चाबी है जिसका नाम मेरे प्रोडक्ट का नाम है, जो भी है। तो अभी जो कस्टमर का नीड है, कस्टमर का नीड है वो है ताला। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो कस्टमर का नीड फाइंड आउट कैसे करें, आपको क्या लगता है, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स नीड? कस्टमर का नीड हमने फाइंड आउट कैसे करना चाहिए, प्लीज बताइए। वी आर टॉकिंग इन जनरल अबाउट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी सर्विस के बारे में। ताला खोल के आना चाहिए, बराबर है। कस्टमर की नीड मतलब वो ताला कहाँ है, आस्क करना चाहिए, बता, बराबर है। लेकिन आस्क किसको करेंगे हम लोग, whom we will ask? पूछना चाहिए राजेंद्र, आप पे, यू आर राइट, पूछना चाहिए किसको? हाँ, बातों बातों में नदीम, आज द प्रोस्पेक्ट। अभी देखो स्टीव जॉब्स जो है एप्पल का फाउंडर, उसने क्या बोला, कस्टमर को मालूम नहीं उसको क्या चाहिए। अब ये शॉकिंग था, पब्लिक शॉक होगी, क्या बात कर रहा है, बोले कस्टमर को नहीं मालूम उसको क्या चाहिए, हम लोग उसे बताएंगे उसको क्या चाहिए। क्योंकि उस वक्त तक मशीन मतलब एक ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का बॉक्स मतलब मशीन है। लेकिन एप्पल के फाउंडर ने बोला कि मैं मशीन अच्छा दिखने वाला बनाऊंगा, नॉट ओनली अच्छा चलने वाला, मेरे जो मशीन होंगे वो अच्छे दिखेंगे। एप्पल का लैपटॉप देखो अच्छा दिखता है, एस्थेटिक है। उसने कलर बदल दिया, व्हाइट कर दिया उसके प्रोडक्ट का कलर, उसने व्हाइट कर दिया। तो इस तरह का अलग अलग उसने चीज किया, तो कस्टमर को जरूरी नहीं सब कुछ मालूम है। तो अभी इसमें देखो वो क्या बोल रहा है ये मूवी में, वो हाउ टू फाइंड कस्टमर्स नीड, हु विल टेल अस अबाउट कस्टमर्स नीड, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कस्टमर। लेकिन मैंने क्या बोला अभी आपको, कस्टमर को ही मालूम नहीं उसकी नीड क्या है, ये पिक्चर के डायलॉग बता रहा हूं मैं, कस्टमर को मालूम नहीं उसकी नीड क्या है। तो ये पिक्चर में ये जो डायलॉग है, परेश रावल ने ये डायलॉग डिलीवर किया है, इट इज अर्थ शैटरिंग। क्रिएट नीड, यस क्रिएट नीड अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, ध्यान से सुनो, अभी आप टाइप मत करो, ध्यान से सुनो, बिकॉज दिस विल एक्चुअली टेक योर बिजनेस टू 12x। आपका बिजनेस 12x लेवल पे जा सकता है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वो क्या बोलता है, कस्टमर को मालूम नहीं कि उसकी नीड क्या है, और कस्टमर नीड बताता नहीं। कभी कभी कस्टमर आपको अपनी नीड बताएगा भी नहीं, लेकिन कस्टमर से नीड जानने का तरीका क्या है वो ये मूवी में बताया हुआ है। कस्टमर अपनी नीड बताता नहीं, वो अपनी नीड दिखाता है। इसलिए बहुत कम लोग हैं, ऐसा है ना कि सामने वाला जो बोलता है, कुछ लोग वो भी नहीं सुनते, उनका ध्यान ही नहीं होता है। सामने वाला जो बोलता है, कुछ लोग वो सुनते हैं जो उसने बोला। और जो एक्सट्रीमली स्मार्ट लोग हैं, जो बिजनेस में बहुत आगे चले जाएंगे, वो लोग कस्टमर ने जो बोला नहीं उसको भी सुनते हैं। कस्टमर बोला नहीं, लेकिन कस्टमर ने उसके बॉडी लैंग्वेज से दिखाया और वो समझ जाते हैं। और अगर आपको बिजनेस को आगे लेके जाने का है, वी हैव टू सी what customer is doing, not what he is saying.
क्योंकि कभी कभी आदमी बोलता कुछ है और करता कुछ है। अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ पिक्चर में बोला हुआ है, आदमी कभी बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, तो दैट इज ऑल डिफरेंट। तो इस आपको समझ में आ गया, मतलब ये हमने क्या करना चाहिए, वी हैव टू लिसन नॉट ओनली विद ईयर्स, वी हैव टू लिसन विद आईज ऑल्सो, वी हैव टू लिसन विद आईज, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, यू सी व्हाट इज डूइंग, उसको क्या तकलीफ हो रही है ये देखो, शायद उसे नहीं मालूम है इन उसे तकलीफ हो रही है। Have you understood what I'm saying? ये बहुत important point है। Everybody understood this kindly type? Yes. Customer need दिखाता है, बताता नहीं है। Always नहीं, कभी कोई बताएगा, लेकिन most of the time वो नहीं बताएगा। उसको ही मालूम नहीं कि क्या problem चल रहा है। जैसे आप doctor के पास जाके ये नहीं बोलोगे ना कि मुझे वो particular दवा चाहिए, लेकिन आप उसको ये बताओगे कि आपको क्या हो रहा है। अगर आपको कहीं कटा है तो दिखाओ, इधर को कटा है इधर। He will decide कि आपको कौन सी दवा चाहिए। ओके तो अभी लेट अस अंडरस्टैंड इसमें ये मूवी में और भी और एक बहुत जबरदस्त उन्होंने पॉइंट बताया कि अगला स्लाइड पे मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो क्या चाहिए। आई रियली मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये पिक्चर आप देखो, प्लीज देखो, इट विल रियली चेंज योअर पर्सपेक्टिव अबाउट बिजनेस। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को आगे जाने के लिए। हाँ ट्रस्ट, यू आर राइट, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज एनी रिलेशनशिप ट्रस्ट इज अ मस्ट। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ट्रस्ट, राघवेंद्र इज सेइंग करेक्ट। एनीथिंग एल्स, और क्या बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और कॉन्फिडेंस चाहिए। वसंत करेक्ट, प्रदीप सिंह बिलीफ, बराबर है, बिलीफ चाहिए, अपने आप के ऊपर एंथुजियाज्म चाहिए, पैशन चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी चाहिए, फेथ, बिलीफ, नॉलेज भी चाहिए, अपना जो धंधा है उसको नॉलेज चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, विल चाहिए, स्किल, विल। लेकिन क्या और भी कुछ चीजें हैं जो आपने मेंशन नहीं किया, मेरे हिसाब से पैसा भी चाहिए, बराबर, पैसा भी आप बोलेंगे, पैसा भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए, बिजनेस का कुछ आइडिया होना चाहिए ना, ऐसे ही जाके क्या फायदा है, डिटर्मिनेशन चाहिए, बराबर है, और हम लोग को बिजनेस का वो एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसा लोग बोलेंगे, मतलब उसने क्या ये मूवी में बताया, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सब मुझे चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, आइडिया, इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, मेरे पास वो बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बुलशिट, वो बोला ये सब नॉनसेंस है। बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए ये पिक्चर में बताया हुआ है, बिजनेस में लिए क्या चाहिए, वो बोला ये बिजनेस के लिए आपको चाहिए इस्पात के अंडे, बिजनेस के लिए चाहिए इस्पात के अंडे। व्हाट इज दैट, दैट मींस व्हाट डज ही वांट टू से, इस्पात के अंडे का मतलब क्या लगता है आपको। आपने जो बोला वो सब सही है, वो भी चाहिए चाहिए, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं है तो बाकी सब चीजें लेकर आएंगे तो भी थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के लिए इस्पात के अंडे होने चाहिए। बाकी आप अगर सक्सेस पाना चाहते हो किसी और चीज में तो ये बाकी की चीजें चल जाएंगी। व्हाट इज इस्पात के अंडे, इस्पात कंपनी किस चीज का है, इस्पात जो कंपनी है वो क्या बनाते हो लोग, वेरी गुड, स्टील, वेरी गुड, तो स्टील, तो इसको क्या बोल रहा है, इस्पात के अंडे का मतलब क्या है, बॉल्स ऑफ स्टील, गट्स चाहिए, गट्स, गट्स, बिजनेस के लिए गट्स चाहिए। अरे ये करूंगा, यहाँ मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, इतना खर्चा है, या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाऊंगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम महंगा है, इतना मैं पैसा डालूंगा तो क्या होगा, गट्स चाहिए, हारने की तैयारी चाहिए, गट्स। गट्स का मतलब क्या है, यू डोंट बॉदर, यार हारा तो देखा जाएगा, वापस उठूंगा, वापस जाऊंगा। तो बिजनेस के लिए what is required, most important thing if you want to be a successful businessman is ispat ke ande, hamesha yaad rakhna, balls of steel, guts, guts, confidence, kuch bhi kar dunga, I don't care, koi ho samne wala, I don't care, main jaake ghus jaunga, kar dalunga, ye taakat chahiye, nahi to kuch fayda nahi hai, himmat ki kimmat hai, thopte vasant, you are right, himmat ki kimmat hai, market mein himmat ki kimmat hai, jo dar gaya samjho mar gaya,
ये शोले में था, तो बाद में आ गया राउडी राठौड़ में, जो डर गया अपने अर्थी पे अपने घर गया, जो डर गया अपने अर्थी पे अपने घर गया, मतलब वो मरा नहीं, उसको उसको चिता नहीं दी, वो जिंदा तो है लेकिन रोज देख रहा है कि पैसा नहीं करके तकलीफ हो रही है, पैसा नहीं करके बच्चों को तकलीफ हो रही है, पैसा नहीं करके बीवी को तकलीफ हो रही है, माता पिता को, क्यों? और रोज मरेगा वो, उसकी जिंदा बॉडी तो रहेगी लेकिन उसकी आत्मा मरेगी। जो डर गया अपने अर्थी पे अपने घर गया, डरना नहीं है। जो बिजनेस में डर गया वो बिजनेस नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, कहीं जाके चुपचाप नौकरी करना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि वो बुरा है, लेकिन उसको डर लगता है, उसको पैसा खोने का डर लगता है, उसको ईगो का, मेरा ईगो इंसल्ट करेगा उसका डर लगता है, ये सब चीजें करेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एवरीबॉडी इज क्लियर? कैन वी गो अहेड? ये बराबर है, वसंत यू रोट इट करेक्टली, हिम्मत, हिम्मत इज द मेन थिंग, करेक्ट, हिम्मत। So I hope you understood this. We'll go to the next point. अभी mineral water जो है, तो ये mineral water के ऊपर उसने बोला, परेश रावल का ये डायलॉग है, मैं आपको बता रहा हूं, उसने क्या बोला पिक्चर में कि 75% अपने बॉडी में 75% वॉटर है, अपने बॉडी में, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% वाटर। ये जो दुनिया है, अर्थ है ना, अर्थ, दुनिया नहीं, अर्थ जो है उसके ऊपर 71% वाटर है, 71% अर्थ पे वाटर है। और पिछले 450 करोड़ से, 400 करोड़ साल से ये फ्री में बिक रहा है। आप नदी पे जाओ, पानी लो, पियो, ये फ्री बिक रहा है, मतलब बिक नहीं रहा है, फ्री है, इट इज फ्री, एनीबॉडी कैन गो एंड टेक वाटर। 450 करोड़ सालों से, 450 करोड़ ईयर्स, आप समझ रहे हैं, अपनी बॉडी में 75% वाटर है, अर्थ में 71% वाटर है, और पिछले 450 करोड़ सालों से ये फ्री में, नोबडी थॉट कि इसको बेचूंगा, लेकिन एक उसने क्या, परेशान ने डायलॉग क्या बोला है, एक डेढ़ शाणा आ गया, वो प्लास्टिक बॉटल में वो पानी भरा और 20-20 रुपए में बेचा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, एक डेढ़ शाणा मतलब पब्लिक, अगर आप कुछ नया करने जाओगे तो पब्लिक बोलेगी डेढ़ शाणा येड़ा, इसको अक्ल नहीं, ये बोलेंगे लोग, ये शाणा नहीं है, डेढ़ शाणा है, अपने आपको ज्यादा शाणा समझता है, ये पागल है, इसके लिए आपने, डेढ़ शाणा का मतलब पागल। तो अगर आप कुछ नया आइडिया लेके आओगे, एक खुरापाती आइडिया लेके आओगे, एक इनोवेटिव आइडिया लेके आओगे, तो लोग आपको पागल बोलेंगे, इसको अक्ल नहीं, येड़ा ही है। जो स्टीव जॉब्स को लोग पागल बोले, ये जो है ना, क्या नाम है, इलन मस्क जो अभी इलेक्ट्रिक कार, उसको लोग पागल बोले, न्यूटन को लोग पागल बोले, गैलीलियो को लोग पागल बोले, दुनिया ये लोग को पागल ही बोलेंगी, क्योंकि लोग डेढ़ शाणे हैं, उन्होंने ऐसा सोचा जो कोई नहीं सोचा। कैन यू इमेजिन, उसने पानी बेचना चालू किया, कोई एक डेढ़ शाणा आ गया, वो पानी बेचना चालू किया और लोग 20-20 रुपए देके बॉटल खरीद रहे। और सबसे बड़ा ब्रांड है बिस्लेरी, जो ब्रांड उसने करीबन 4,000 करोड़ में कोका कोला को बेचा, 4,000 करोड़ में नाम बेचा, बिस्लेरी तू यूज कर सकता है, 4,000 करोड़ दे मेरे को। किसने बेचा? चौहान, पार्ले। तो ये है, ये आपको समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग? और पीपल बॉट, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? और ये जो मैं आपको बताया मिनरल वाटर का जो स्टोरी आपको मैं बता रहा हूं, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो परेश रावल ने पिक्चर में बोला हुआ है। तो आपके हिसाब से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये स्टोरी जो मैं आपको बोला कि इतना पानी, 450 करोड़ से पानी बह रहा है, बॉडी में पानी है, अर्थ में पानी है, फिर भी कोई डेढ़ शाणा आ गया और 20 रुपए में हम लोग बॉटल ले रहे जाके, तो इससे आपको मोरल क्या लगता है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? और ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो बिजनेस नहीं है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? हाँ, प्यास, ये बात सही है मेरे भाई, लेकिन प्यास तो खैर नदी पे जाके भी बेच सकता था ना, वो मतलब बुझा सकता था, जो दिखेगा वो बिकेगा। ओके, जो दिखेगा बिकेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर नियर टू व्हाट आई एम सेइंग, वन कैन सेल इफ वन हैज गट्स एंड स्किल, ये भी है, गट्स, स्किल, इनोवेटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन, यस वेरी गुड प्रकाश चंद्र, यू आर राइट, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। उसने वो बॉटल में उसको पाउडर लाली लगा के बेचा, बात सही है। हाँ, ये क्रिएटेड नीड, एक्चुअली नीड नरेंद्र था ही नहीं ना, पानी तो फ्री मिल रहा है, मतलब फ्री पड़ा हुआ है,
फिर भी उसने नीड लोगों को बोला कि अब ये बॉटल में ले लो, प्लास्टिक की बॉटल में ले लो। हाँ वसंत यू आर राइट, सेल्स पावर, सेल्स पावर, सेल्स पावर इज द मेन। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो, ये बात याद रखो। अगर आप बेच नहीं पा रहे हो, अगर आपको लगा ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमें बेचना नहीं आता। फिर हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट खराब है, मार्केट में कॉम्पिटिशन है। इसमें क्या था, इसको पानी लेने के लिए कौन खड़ा था? जब पानी फ्री में बिक रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो उसने बेचना कैसे चालू किया? इसने क्यों नहीं एक्सक्यूज दिया कि कोई पानी लेगा कैसे, यहां तो नदी में बह रहा है पानी। तो जो बेच सकता है वो कुछ भी बेच सकता है, और जो बेच नहीं सकता, नेक्स्ट लाइन इज अपोजिट ऑल्सो इज ट्रू। अगर आप बेच नहीं सकते तो कुछ भी नहीं बेच पाओगे, आपका प्रोडक्ट बेस्ट होगा तो भी नहीं बेच पाओगे। तो पहला सेलिंग स्किल सीखो, धंधा, आई पर्सनली फील यू बिजनेस इज सेल्स। जो सेल्स नहीं जानता कुछ नहीं कर सकता, धंधा तो छोड़ो लाइफ में भी तकलीफ में आएगा। Have you understood this point? Can we go ahead? तो एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, एक्सक्यूज कोई भी चीज का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ओके सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये मूवी का, आप देखो और परेश रावल की आवाज में, उसके डायलॉग डिलीवरी में सुनो परेश रावल क्या बोला है। परेश रावल के गिन के 10 डायलॉग होंगे मूवी में, पूरी मूवी में 10 डायलॉग रहेंगे, लेकिन जबरदस्त, मतलब उसका हर एक डायलॉग आपका बिजनेस डबल कर देगा, इतना ताकत वो डायलॉग में है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप आई वुड से यू वॉच दैट मूवी ऑल्सो। ओके परेश रावल का और एक डायलॉग है, तेरा आइडिया रायता है, तेरा आइडिया रायता है, रायता होता है ना हम लोग खाने में लेते, तेरा आइडिया रायता है फैल जाएगा। तो आइडिया रायता की तरह होना चाहिए, फैलना चाहिए। अगर आइडिया फैलेगा नहीं तो आप उसको बेच नहीं पाओगे, और बेच नहीं पाओगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, दुकान बंद। जो भी बिजनेसेस बंद हो रहे ना मेरे भाई, जो भी बिजनेसेस बंद हो रहे, नॉट बिकॉज द बिजनेस इज बैड, बिकॉज द सेल्स इज बैड। बिजनेस एंड सेल्स, वो बिजनेस में सेल्स नहीं कर पाया तो बिजनेस बंद हो गया। अब ये मूवी के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, वो क्या करता है, वो कुछ आई डोंट वांट टू टेल यू एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आप में से बहुत जने मूवी देखा नहीं है, तो आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, यू शुड वॉच दिस मूवी, यू लर्न समथिंग। तो वो एक सूप बेच रहा है, सूप, पीने का जो सूप होता है ना, फॉर एग्जाम्पल सूप बेच रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, सूप तेरा प्रोडक्ट है और सूप ही बेच रहा है, मतलब तेरा प्रोडक्ट सूप है तो तू सूप बेच रहा है, वो गलती है। अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, तो क्या बेचना चाहिए? तो उसने क्या बोला कि सूप तेरी कहानी है, सूप जो बेच रहा है वो कहानी है, और बमन ईरानी उधर एक कैरेक्टर है, वर्दी नाम का, वर्दी उसका नाम है। तो बमन ईरानी ये जो कैरेक्टर है, मूवी देखो आपको समझ में आएगा, वो कहानी का हीरो है। तो उसने क्या बोला, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचने का है, अरे कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कहानी को नहीं हीरो को बेचो, कहानी को नहीं हीरो को बेचो। मतलब जो सूप बेच रहे हो उसको सूप किसी के पास लेके मत जाओ, ये जो बमन ईरानी है उसको बेचो, उसका ब्रांड बनाओ, और फिर ये जो बोलेगा लोग लेंगे। वैसे आपका कंपनी का एक ब्रांड होना चाहिए। अगर आपने एक ब्रांड जैसे टाटा, और टाटा झोपड़पट्टी से जाके कोई प्रोडक्ट लेके आएगा और टाटा का ठप्पा लगाएगा, लोग लेगा, क्योंकि टाटा ने टाटा ब्रांड बेचा है। बिस्लेरी, बिस्लेरी वर्ड उसने बेचा क्योंकि लोगों को मालूम पड़ा बिस्लेरी मतलब प्योर वाटर। तो उसने क्या बोला, अगर तेरा
सॉरी डिस्कनेक्ट हुआ था, रिकनेक्टिंग, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, so let us understand what is brand. आपको मेरी आवाज आ रही है? Kindly type yes, please. So I will understand. You are able to listen to me and you are able to see the PPT. Yes, type करिए please. Mineral must have read urgent to Raman. Thank you, and sorry about this disconnection in between. Okay, let us start again. So what is brand? Thank you. अभी ये मूवी में ब्रांड क्या है बहुत जबरदस्त बताया उन्होंने. व्हाट इज ब्रांड? सो ब्रांड का आप सुन लो क्या है. परेश रावल का डायलॉग है, कस्टमर का दिमाग जो है, कस्टमर का दिमाग गन्ने की खेत की तरह है, खेत की तरह है, गन्ने का खेत. कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत की तरह है, ओके. और जहां हजारों गन्ने होते हैं, कस्टमर के दिमाग में हजारों गन्ने हैं. अब ये गन्ने मतलब क्या होंगे आपके हिसाब से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गन्ना इन ये बिजनेस के हिसाब से? गन्ना क्या होगा? कस्टमर का दिमाग ही गन्ने की खेत की तरह है, और जहां हजारों गन्ने होते हैं, कस्टमर के दिमाग में बहुत गन्ने हैं. हाँ, वेरी गुड. प्रोडक्ट राजेंद्र मीना, यू आर राइट. प्रोडक्ट होते हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रोडक्ट है ना. मार्केट में जाओगे तो ये टाटा का प्रोडक्ट है, ये बिरला का प्रोडक्ट है, ये इसका उसका, हजार प्रोडक्ट होते हैं. कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे प्रोडक्ट है. क्या है? एक एक प्रोडक्ट एक एक गन्ने की तरह है. एक एक प्रोडक्ट एक एक गन्ने की तरह है, और दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है. अगर आप कोई भी देखोगे या अगर कोई भी चीज खरीदने जाओगे, अगर आप बोलोगे मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ब्रांड्स है, हर एक ब्रांड का एक एक प्रोडक्ट है. या आप टीवी लेने जाओगे तो बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे ऑप्शन है. तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन बिकता किसका है माल? जो ब्रांड का है. अभी ब्रांड क्या है तो क्या बोलता है, लेकिन ब्रांड क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांड क्या है. अभी आप देखो इसका जो उसने कंपैरिजन किया, व्हाट इज ब्रांड. अभी देखो कस्टमर का दिमाग एक गन्ने की खेत की तरह है. कस्टमर के दिमाग में जो भी एक एक प्रोडक्ट है, दैट इज एक एक गन्ना उसके दिमाग में है. और ब्रांड, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड एक सांड की तरह है. सांड मालूम है ना, बैल होता है ना, एकदम खतरनाक सांड. ब्रांड सांड की तरह होता है. What he's saying is brand is like sand. वो क्या करता है? वो सबको, ब्रांड जो है वो सबको काट कर अपनी जगह बना लेता है. वो सबको बाजू में करके अपना सांड जब दौड़ के आता है, गन्ने की खेत के ऊपर पैर रख के गन्ने का खेत पूरा दबोच देगा और उसके ऊपर खड़ा रहेगा. और आपका ब्रांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो स्ट्रांगली आएगा और कस्टमर के माइंड में बहुत सारे गन्ने हैं, लेकिन उसको सबको दबा देगा और अपना उसको कस्टमर को सांड दिखेगा, वो ब्रांड दिखेगा, वो टाटा या जो भी है, बिरला या जो भी ब्रांड दिखेगा, बोलेगा मुझे ये खरीदना है. आप मार्केट में जाओगे, बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन आप देखो ये पर्टिकुलर ब्रांड मुझे लगता है ट्रस्ट वर्थ है, इमीडिएटली आप बोलोगे यही लेना है. उसकी प्राइस भले ज्यादा होगी, आप बोलोगे मुझे यही लेना है, भले ज्यादा प्राइस हो, आई वॉन्ट टू बाई दिस ब्रांड, बिकॉज वो सांड की तरह आके आपके दिमाग पे अटैक करता है. तो क्या आपका ब्रांड ऐसा कर रहा है? आपका ब्रांड वैसा कस्टमर के माइंड पे इफेक्ट कर रहा है कि आप आओगे तो बाकी सब हट जाते हैं. बोले नहीं, मेरे को आपसे ही करना है, आपसे ही प्रोडक्ट लेने का, यू हैव दैट क्वालिटी, आपके पास ही मुझे करना है. ये अगर नहीं है तो आपका ब्रांड नहीं है. सो योर ब्रांड इज लाइक अ सांड जो आएगा और सारे गन्नों के खेत को काट के अपनी जगह बना लेगा. सांड सबको काट कर खुद की जगह बना लेता है. दैट इज व्हाट, दीज आर द एग्जैक्ट डायलॉग्स ऑफ परेश रावल. एक मूवी आई थी जिसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, OUTIM, ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा. तो उसमें एक डायलॉग है, बिजनेस को बड़ा करना है. इनफैक्ट उसमें डायलॉग ऐसा है कि बिजनेस को शांति से करना है, मतलब ग्रो करना है. बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो बड़ा धमाका करना पड़ेगा, बड़ा धमाका करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको ताकि सारे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए. जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस का, रिलायंस जियो जब आ गया मार्केट में,
तो रिलायंस जियो कौन से साल में आ गया? मुकेश अंबानी स्टार्टेड विच ईयर रिलायंस जियो? ये मुकेश आया सांड की तरह आया और सबको काट के रख दिया, वोडाफोन आइडिया एयरटेल सबको बाजू में करके ऊपर चला गया। सांड था वो ब्रांड, रिलायंस जियो तभी पैदा हुआ और उसने अटैक किया। कौन से साल में चालू किया? विच ईयर द बिजनेस स्टार्टेड? वेरी गुड रितेश, 2017 इनफैक्ट डिसंबर 16 तो 17 पकड़ूंगा, 2017 में उसने बिजनेस चालू किया। और ये जो है ना 16 एंड या 17 बराबर है, इट इज समवेयर इन 16 एंड, सो लेट अस से 17 क्योंकि पूरा साल तब गया था। राघवेंद्र यू आर राइट, 16 एंड। तो मोबाइल टेलीफोन इंडिया में कभी आया? विच ईयर? मोबाइल टेलीफोन इंडिया में कौन से साल में आया? वेरी गुड, 1995 करेक्ट, 1995 में आया, 95 में आया मोबाइल टेलीफोन। उसके बाद में करीबन 22 साल के बाद, 22 इयर्स के बाद ये सांड आ गया और इस सांड आके सबको काट के रख दिया। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? जैसे ये बोलता है कि बिजनेस को बड़ा करने का तो बड़ा धमाका करना पड़ेगा, तो मुकेश अंबानी ने बड़ा धमाका क्या किया? उसने आने के बाद ही धमाका कर दिया और पूरा सारे कस्टमर को उसने, आज उसके पास 38 करोड़ कस्टमर्स है। हाँ, उसने जियो फ्री नहीं, उसमें क्या फ्री दिया अभिजीत? क्या फ्री दिया? फ्री क्या दिया? हाँ, इंटरनेट फ्री दिया। वेरी गुड राघवेंद्र, उसने डेटा, सिम कार्ड तो कोई भी फ्री दे सकता है, डेटा फ्री दिया उसने। पहले जब जब लोग डेटा को बहुत बड़ा चार्ज कर रहे थे, ये बोला फ्री, सांड की तरह आया और सबको बाजू में कर दिया। और लोगों ने उसका डेटा, पहले तो 3 महीने के लिए डेटा दिया फ्री, बाद में उसको एक्सटेंड किया 6 महीने के लिए किया, और बाद में बोला ठीक है आप खाली 200 रुपए दे दो महीने का, महीने का 200 रुपए दे दो। एंड टुडे इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। रिलायंस जियो में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, गूगल ने इन्वेस्ट किया, दे हैव बिकम बिग। वोडाफोन जो जायंट है और आइडिया जो बिरला का बहुत बड़ा ग्रुप, बिरला ग्रुप का कंपनी है, ये लोग को एक साथ आना पड़ा, भैया चल साथ में मिलके इनको फेस करते, क्योंकि ये जो सांड है उसको हम लोग मार नहीं सकते। तो वोडाफोन आइडिया साथ में आ गए, उधर एयरटेल है अभी, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, बाकी सारी कंपनी मिस्टर इंडिया हो गई, गायब हो गई। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो मार्केट को झंझोड़ देगा? आप ऐसा सांड की तरह आओगे, मार्केट को काट के रख दोगे। ऐसा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम है, दैट इज ब्रांड। बहुत गन्ने पड़े मार्केट में, कस्टमर का दिमाग गन्नों से भरा पड़ा है, उसमें एक गन्ना अपना, अपना प्रोडक्ट भी एक गन्ने की तरह है, कौन पूछता है उसका? सांड की तरह आके अपना गन्ना उधर रखना, भाई चल अभी तू यही लेगा बात खलास, वो करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया ब्रांडिंग के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आप ये सोचो कि मैं ऐसा बड़ा धमाका क्या करूं, मैं ऐसा सांड की तरह कौन सा काम करूं जो ऑनेस्ट हो, बेईमानी नहीं, जो ईमानदारी का काम हो, लेकिन मार्केट में एक रिपल क्रिएट होना चाहिए, एक वेव क्रिएट होना चाहिए आपके ऐसे एक्शन से। इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए बिजनेस इज नॉट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। इधर से काम करेगा उसके बाद पैसा आएगा, खाली पैर से भागते रहेगा तो पैसा जाएगा, क्योंकि अगर वो जो हार्डवर्क बहुत ज्यादा करता है, अच्छी बात है करना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो काम करता है वो ज्यादा जल्दी ऊपर चला जाता है। नहीं तो हार्डवर्क करोगे शाम को थक के घर पे आओगे, यू कैन नॉट एंजॉय ऑल्सो, इतना दिन भर भाग 8-18 घंटा भागा क्या मिला? ये यूज करोगे तो फटाफट काम हो जाएगा। तो धीरूभाई, मुकेश अंबानी ने किया, डेटा फ्री, चल सब लोग भाग के उसके पास आ गए, कस्टमर को पुल किया उसने, पुल किया। ओके, दिस इज व्हाट इट इज अबाउट ब्रांडिंग। अभी और कुछ फ्यू टेक अवेज है जो खाली बिजनेस के लिए नहीं, और भी कुछ चीजें हैं, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि क्या है। तो पहला पॉइंट है, मनी कम्स फ्रॉम वैल्यू एडिशन ओनली। हम लोग सोचते हैं पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप कस्टमर की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करोगे तो भी आपके पास पैसा आएगा। ये मूवी में ये और एक चीज बताई गई, यू हैव टू वैल्यू ऐड। ये पिक्चर के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, स्टोरी रिवील हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो समझ में आएगा। वो लोगों का एक प्रॉब्लम है, उसमें वो वैल्यू एडिशन करता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। अभी व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू? कस्टमर को हम लोग बोलते हैं ना कि ये मुझे तू ये प्राइस दे दे, ये प्राइस दे दे और तू वैल्यू ले ले। कस्टमर प्राइस देता है और वैल्यू लेता है, कस्टमर प्राइस देता है और वैल्यू लेता है। मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट से उसको उसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम अगर उसका सॉल्व हो रहा है, आपके प्रोडक्ट से उसका जिंदगी का कोई प्रेसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए वो वैल्यूएबल है,
नहीं तो उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। तो आप ये ढूंढो, मैं अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टमर की जिंदगी का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अगर एक भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया तो आपने वैल्यू ऐड किया। क्वालिटी बराबर है, क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन somebody else will come will say better quality। क्वालिटी का झगड़ा भी होते रहेगा, लेकिन वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हो, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो कस्टमर आपको हमेशा इज्जत देगा, बोला ये आदमी ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये आदमी के प्रोडक्ट की वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वैल्यू एडिशन। वी हैव टू ऐड वैल्यू टू कस्टमर्स लाइफ by taking some problem out of his life because of your product। आपका product use करने के कारण उसके जिंदगी का कोई problem solve होना चाहिए। दूसरा, ये movie आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि आपको mentor होना चाहिए। mentor is a must। आपका कोई गुरु होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, जो आपको आपकी आंखें आपको दुनिया दिखा रही है, लेकिन आप खुद की आंखें नहीं देख सकते। You cannot look at your own eyes. Somebody else will look at your own eyes and tell you this is right or wrong. You need some mentor. That mentor can be your father, your mother, your sister, your brother, your wife, your son, daughter, or कोई external. लेकिन mentor होना चाहिए जो आपको मुंह पे बोले ये गलत हो रहा है। आपको चाटने वाले लोग नहीं चाह रहे, सर जी तुम तो तोप हो, बहुत बड़े हो, ऐसे लोग आपको गटर में लेके जाएंगे। जो आपको मुंह पे बोलेगा तुम्हारा ये गलती हो रहा है, तुम अपने को शाना मत समझो, ये गलत कर रहे हो, उसको बदलो, ये बोलने वाला कोई आदमी अगर आपकी जिंदगी में है, अच्छी बात है, नहीं तो लेके आओ, मेंटोर करो। मेंटोर इज अ मस्ट इफ यू वांट। इसके लाइफ में मेंटोर था, ये पिक्चर देखो, इसके लाइफ में मेंटोर था परेश रावल। वो कदम कदम पे उसको गटर से बाहर निकलता है। जब पिक्चर के एंड में ये पूरा खत्म हो जाता है, बोलता है बस अभी करना ही नहीं है, तब परेश रावल उसको वापस फोन करता है और क्या बोलता है, अगले स्लाइड में बताऊंगा, वापस वो बिजनेस उसका चालू हो जाता है। तो मेंटोर चाहिए जो आपको, आप कैंडल हो, लेकिन मेंटोर माचिस है जो आपको जलाएगा, नहीं तो कैंडल पड़ी रहेगी। ठीक है, तो मेंटोर होना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू बी टफ अगेंस्ट ऑल अपोजिशन। आप कुछ करने जाओगे ना तो फैमिली भी आपको रोक सकती है, आपके फ्रेंड्स भी रोक सकते हैं, बोले पागल है, ऐसा थोड़ी होता है। वो मिनरल वाटर के लिए उसने कौन सा वर्ड यूज किया था, आलोहा लोहे को काटता है। मिनरल वाटर जिसने बेचा उसके लिए परेश रावल ने कौन सा आदमी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, दो वर्ड्स किया था, क्या बोला था, आई टोल्ड यू ना सम टाइम बैक, उसको क्या बोले, वो कोई एक्स वाई जेड आदमी आ गया, क्या था वो, वेरी गुड, डेढ़ शाणा, परफेक्ट, डेढ़ शाणा। कोई डेढ़ शाणा आ गया और पूरा मार्केट को उसने 20 रुपए में पानी बेचना चालू किया। वो डेढ़ शाणा जो है ना, लोग आपको डेढ़ शाणा बोलेंगे, बोले क्या पागल है क्या, मतलब आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आपको पागल बोल सकते हैं, और वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको प्यार करते हैं। उनको लगता है कि आपको तकलीफ होगा, उनको जेन्युइनली लगता है कि आप जो करने जा रहे हो उसमें आपको तकलीफ होगा, इसके लिए वो आपको रोकते हैं, उनका गलती नहीं है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि मुझे ये करना है और उसको सक्सेसफुल बनाना ही है। और ये अगर आपके मन में फिक्स है तो कोई कुछ भी बोले, यू शुड बी टफ, यू शुड नॉट लीव योर पाथ। लोग क्या करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, अगर नहीं हो रहा है ना तो गोल ही बदल देते हैं, बोलते मर्सिडीज लूंगा, लेकिन मालूम पड़ा अभी मर्सिडीज का काम नहीं हो, चल यार होंडा सिटी लेते, वो भी नहीं हो रहा है, चल वैगनआर लेते हैं। गोल चेंज करते, गोल चेंज नहीं करना है, रास्ता चेंज करना है। अगर यहां से जाऊंगा तो पहुंचूंगा नहीं, तो दूसरा रास्ता है क्या, शॉर्टकट है क्या, और कुछ कर सकता हूं क्या, रास्ता बदलना चाहिए, गोल नहीं। और लोग आपको बीच में बहुत सारे रोकेंगे, गोल ये छोड़ दे, ये गोल छेड़ दे, गोल छोड़ दे, ऐसा बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। और ये सब बड़े लोग हुए ना, उनको कोई सपोर्टिंग था। अमिताभ बच्चन का भाई था अजिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन उसको हमेशा बोलता था कि तेरे में दम है, तू बड़ा एक्टर होगा, तेरी एक्टिंग अच्छी है। उसका भाई उसको बार बार बोलते रहा, इसके लिए 13 पिक्चर फ्लॉप होने के बाद भी अमिताभ गया और जंजीर में काम किया। सचिन तेंदुलकर का भाई, उसने अजित तेंदुलकर, अजित वो उसका मेंटर था, उसने उसको बार बार बोला अभी तेरे में दम है, तेरे में दम है। और सचिन बोला मैं सचिन तेंदुलकर बना बिकॉज ऑफ अजीत तेंदुलकर, क्योंकि रात को मैच होने के बाद वो अजीत से फोन पे बात करता था और अजीत उसको खुला बोलता था तेरी गलती हो गई, ये शॉट तेरा गलत हो गया, ये तेरा थिंकिंग गलत था, बिकॉज अजीत बोल सकता था, बाकी सचिन को कौन बोलेगा, सचिन वॉज अ गॉड। तो अजीत उसको बोलता था, अजीत ने कभी भी प्रेस में इंटरव्यू नहीं दिया, कभी भी टीवी पे इंटरव्यू नहीं दिया, कभी भी बाहर नहीं आया, क्योंकि उसका काम यही था कि सचिन का बैटिंग वो देखते रहूं, उसको अच्छा बताते रहूं, उसमें प्रॉब्लम है तो ढूंढूं और उसके उसकी मैं सेलिब्रेशन करूं, उसका प्रॉब्लम दिखाऊं या अच्छा हुआ तो ताली मारूं। इसके लिए अजीत तेंदुलकर ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ सचिन तेंदुलकर का मेंटर बना, बस। आज भी लोगों को बराबर उसका मालूम नहीं कैसा दिखता है, उसकी आवाज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड नेवर रिएक्ट, ऑलवेज एक्ट। इन बिजनेस वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड एक्ट। आपके मन में क्या चल रहा है, सामने वाले को समझ में आ गया तो उसी का वो यूज करके आपको ही काट देगा। आई एम नॉट सेइंग ओनली कस्टमर, वो भी हो, आपके मन में जो आपके मन का चीज है वो मन में रहना अच्छा है। जिधर सामने वाले को समझ में आ गया, पीपल विल एक्सप्लॉइट दैट, आपकी फीलिंग को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको समझ में आएगा इसका यहाँ दुखता है, यहाँ बटन हाथ लगाऊंगा तो उसको दुखेगा, बार बार लगाएंगे।
और वो उस वक्त आपको फिर बार्गेनिंग करना, उसको मालूम पड़ा अगर इसका सेल ही नहीं हुआ है, अभी मेरे पास आ गया है, एकदम डेस्परेट है, तो वो आपसे बार्गेन करके आपका प्राइस और खींचेंगे नीचे, कि उसको मालूम है कि ये बेचारे को अभी तो मैं ले सकता हूँ उसका 100 रुपए का चीज 50 में लेता हूँ, क्योंकि इसको तो बेचना है अर्जेंटली, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, नेवर रिएक्ट ऑलवेज एक्ट, ये भी ये पिक्चर में सिखाया गया है। ओके, ये मोटिवेशन वीडियो या मोटिवेशन ऑडियो रोज सुनता है, ये जो हीरो है रघु मेहता रोज मोटिवेशन सुनता है, वो गजराज राव जो है उसका रोज सुनता है डायलॉग। हाँ बराबर है प्रशांत, वेरी गुड, जमाका नाचरेकर और ये। ओके, तो मोटिवेशन आप लोग भी अभी जैसे यूट्यूब है या बहुत सारे पॉडकास्ट है, एटलीस्ट सुबह आधा घंटा या 20 मिनट ये सुनना चाहिए, वो सुनेंगे तो हम लोग वापस मोटिवेटेड हो जाएंगे, पूरा दिन के लिए मोटिवेशन काम आएगा। थैंक यू। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, इसको क्या होता है, वो जैसे अभी आप किसी को मानते हो, जैसे अमिताभ बच्चन को अगर मैं मानता हूँ, यार अमिताभ बच्चन मतलब भगवान है, मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन भगवान है, लेकिन उसका वो गिरिराज जो मोटिवेशन स्पीकर होता है, गिरिराज राव ने जो ऑफर रोल किया है, वो उसके लिए भगवान होता है, उसका रोज वीडियो सुनता है, उसका ऑडियो सुनता है रोज, वो उसको ऑफर देता है कि तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे, हम लोग साथ में करेंगे, अभी तो ये बिजनेस को तू यहां तक लाया ना, आगे मैं लेके जाता हूँ। वो रिफ्यूज करता है, नहीं चाहिए, मैं आपका वीडियो सुनूंगा ऑडियो सुनूंगा, लेकिन धंधा तो मैं ही करूंगा, ये मुझे ही मालूम है कैसे करने का। वो ओवरवेल्म नहीं होता है। मैं अगर आपको बोलूंगा कि आपका जो माल है वो बेचने को अमिताभ बच्चन के पास जाओ, शाहरुख के पास जाओ, या रणवीर सिंह के पास जाओ, तो पब्लिक ओवरवेल्म होता है, बाप रे वो तो बहुत बड़ा यार कैसे होगा, वो ये नहीं होता है। बोला कोई भी हो तू, तू कोई भी हो, मैं अपने धंधे का मास्टर हूँ, तो कितना भी बड़ा होगा तो अपने धंधे में मास्टर है, मैं अपने धंधे में मास्टर हूँ, ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, सामने वाले को देख के एकदम डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने धंधे में मास्टर, यू आर अपने धंधे में मास्टर। ओके, अभी ये थोड़ा अलग है, लेकिन आप समझ लो क्या होता है, उसकी वाइफ और उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, मतलब दे आर फ्रेंड्स, वो लोग सिगरेट साथ में पीते हैं, दारू साथ में पीते हैं, इस तरह का दिखाया, मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स दिखाए, लेकिन एक बार उनका झगड़ा हो जाता है और उस वक्त उसकी वाइफ उसको बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला, प्रॉब्लम अभी वो झगड़ा क्या है वो मैं सब मैं बोलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पिक्चर आपके सामने खुल जाएगी, आप देखोगे पिक्चर में, तो उसकी वाइफ उसका डायलॉग बोलती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो मेरे हिसाब से आपकी जो स्पाउस है, आपके जो रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, उनसे आप लोग ट्रूथफुल होना चाहिए, जैसे स्पेशली स्पाउस, योर वाइफ और हस्बैंड, वी शुड बी एक्सट्रीमली ट्रूथफुल एंड फ्रेंडली विद दैट पर्सन, क्योंकि उनको दुख इस बात का नहीं कि आपने कुछ गलत किया, उनको दुख इस बात का होता है कि आपने उनसे छुपाया, आपने उनसे झूठ बोला, वो उनको दुख होता है। तो कोई भी रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग रखना है, तो वी शुड बी एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट। जैसे अभी मैं परसों वीडियो व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख रहा था, एक हस्बैंड था, वो अपना वो फैन साफ कर रहा था, तो उसका मोबाइल बेड पे था, तो उसकी वाइफ आ गई, उसने मोबाइल लिया, तो जैसे उसके मोबाइल लिया तो उसके हस्बैंड ने छाती में दुख रहा ऐसा एक्टिंग करना चालू किया, एकदम से गिर गया, छाती दुख रहा है, तो उसकी वाइफ डर गई, और उसके हस्बैंड ने जैसे उसने मोबाइल रखा, उसके हस्बैंड ने मोबाइल लिया और अपने पीलो के मारा और बोला अरे अभी ठीक लग रहा है, मतलब वो मोबाइल उसके वाइफ ने हाथ में लिया, इसके लिए उसको इतना टेंशन आ गया, ऐसा क्या है जो उससे छुपा रहा है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो रिलेशनशिप रहेगा नहीं, ये मूवी में बताया हुआ है। ओके, दूसरा ये देखो, पब्लिक अभी इंडिया में वी आर 138 करोड़, लेकिन सेक्स एजुकेशन ये लैक है, पीपल डोंट डिस्कस। अगर कोई टीवी पे किसिंग का सीन आ गया तो माँ बाप टेंशन में जाते हैं, बच्चे के सामने कैसा देखूं, या बच्चे से वो लोग डिस्कस नहीं करते, तो ये मूवी में बताया कि ऐसा मत करो, आपके बच्चों के साथ आपका बाप ने बच्चे से बात करना चाहिए, माँ ने अपनी डॉटर से बात करना चाहिए, उससे पूरी तरह समझाना चाहिए क्या है, नहीं तो ये समझने के लिए आपके बच्चे किसी और कंपनी में, किसी बैड कंपनी के साथ जा सकते, किसी गलत इंसान के साथ दोस्ती कर सकते, डाइवोर्सेस इसकी वजह से होता है, बिकॉज देर इज नो एजुकेशन, देर इज नो सेल्फ एजुकेशन, जो माँ बाप ने करना चाहिए ये स्कूल में भी होना चाहिए आइडियली। और ये सेक्सुअल क्राइम्स जो होते हैं, रेप्स है, ये मोलेस्टेशन है, क्यों होता है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस जो सप्रेस्ड इमोशन है। तो वो ये मूवी में वो भी बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने बताया है, बी ओपन अबाउट दिस, देर इज नथिंग टू हाइड, ऐसा कुछ गलत काम नहीं है, हर एक जन जो आया ये दुनिया में बिकॉज ऑफ दिस आया है, तो वन हैज टू बी वेरी ओपन अबाउट इट एंड वी हैव टू टॉक विद, स्पेशली विद अवर किड्स, उनको पूरी तरह मालूम होना चाहिए सेक्स एजुकेशन। पहला तो उसको अपने माँ बाप से मिलना चाहिए कि क्या है, उसने एक्सप्लेन करना चाहिए माता पिता ने, किसी और से वो जानने जाएगा। अभी देखो आज ये है, इंटरनेट है, इंटरनेट पे आदमी कुछ भी किधर भी कोई भी साइट पे जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, यू नो व्हाट आई मीन, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट विद योर चाइल्ड ऑल्सो, सो दैट ही कम्स टू यू फॉर एनी क्वेश्चन, और उसके मन में कोई डाउट है तो आपके पास आना चाहिए, ये पिक्चर में बताया हुआ है। एंड उसने पिक्चर में बताया कि अगर
सेक्स एजुकेशन अच्छा है तो बहुत सारे लाइव्स बचेंगे, बहुत सारे बच्चे बुरी कंपनी में जाएंगे, जाएंगे नहीं, डाइवोर्सेस कम हो जाएंगे, सेक्सुअल क्राइम्स कम हो जाएंगे, वो भी वो पॉइंट उन्होंने बताया हुआ। तो ये सब एक्स्ट्रा टेक अवेज है जो मूवी के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें इसमें आदमी सीख सकता है, हालांकि मूवी बिजनेस के ऊपर है लेकिन ये सब अलग अलग पॉइंट भी उसमें है। ओके नाउ अभी ये लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि विजडम क्या, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ये प्रॉब्लम जो चल रहे है, बराबर है, एज अ फादर यू शुड बी फ्रेंड। अगर 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 आपकी डॉटर अपनी आपकी वाइफ अगर कोई बच्चे अपनी माँ को फ्रेंड मानती है, बेस्ट फ्रेंड, अगर कोई बच्चा अपने बाप को बेस्ट फ्रेंड मानता है, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन, और वो ऐसा ही होना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने बोला कि बाबूजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी और अमिताभ बच्चन में एक गैप था, वो लोग ओपनली बात नहीं कर सकते थे, मतलब देर वॉज एक दरार थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने बोला ये सच्चा था कि जब मेरा बच्चा होगा उसके साथ मैं फ्रेंडली। आज अभिषेक बच्चन अमिताभ दोस्त है, दे कैन टॉक एनीथिंग विद ईच अदर। तो अभिषेक बच्चन का सबसे बेस्ट फ्रेंड अमिताभ बच्चन, एंड दैट इज द मोस्ट, शाहरुख खान का बेस्ट फ्रेंड है उसका बेटा, उसका बेटा बोलता है मेरा आर्यन जो है, मेरे पिताजी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज दे आर ओपन, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर नॉट जजमेंटल, दे डोंट जज द चाइल्ड। एनीवे कमिंग बैक टू विजडम इन लॉकडाउन, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे बिजनेसेस में प्रॉब्लम चल रहा है, बराबर, यू हैव टू टेक केयर। तो लॉकडाउन में पब्लिक को बिजनेस में किसी को तकलीफ आ रही है, किसी को कुछ आ रही है, बराबर है, तो इसमें क्या करना चाहिए भी उसमें बताया उसने कि एक डायलॉग है उसका, परेश रावल का, ये सेम डायलॉग है, इंग्लिश में डायलॉग है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज, एवरी क्राइसिस, एवरी प्रॉब्लम इज अ अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज, भेज बदल के अपॉर्चुनिटी आई है आपके जिंदगी में कोई भी। अभी जो कोरोना चल रहा है, ये लॉकडाउन चल रहा है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, ढूंढो, क्योंकि ये छुप के बैठी है वो अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। नेक्स्ट लाइन है, मुश्किल को मौका बनाओ, मुश्किल को मौका बनाने का, जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम है, उसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, मुश्किल को मौका बना और मार दे चौका, चौकी नहीं चौका, गलती से मैंने चौकी लिखा है, मुश्किल को मौका बना और मार दे चौका, ये डायलॉग उसमें है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचो कि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊंगा, ये क्या होगा, ये वो सब उसको ढूंढना, हम लोग ढूंढना चाहिए कि प्रॉब्लम से मैं क्या, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट ऑफ इट। जैसे मैं सेशन लेता हूँ, मैं सेमिनार देता था किसी हॉल में, समझो दादर में, मैं बॉम्बे में सेमिनार ले रहा हूँ, तो आजू बाजू के लोग आ रहे हैं, आज जो मैं सेमिनार अभी हम लोग ले रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग मुझे मालूम है कोई कलकत्ता से है, कोई केरला से है, कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से है, कोई नागपुर से है, कोई कहाँ से, तो वी आर ऑल टूगेदर बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो इट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो एवरी क्राइसिस इज अ अपॉर्चुनिटी, वी शुड नो, वी शुड हैव दैट नजर, वो नजर होनी चाहिए कि उसमें से हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ओके सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, ये मेरा मेरा नाम और नंबर है, अगर आपको मेरा डायरेक्ट मैसेज नहीं आता है तो आप मेरा नंबर पे व्हाट्सएप करो आपका नाम, तो मेरे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे होते हैं, फ्री सेशन होते हैं, पेड सेशन जो भी है, आपको मैसेज आते रहेगा, तो काइंडली इफ यू डोंट, यू आर नॉट गेटिंग माय मैसेज रेगुलरली, प्लीज सेंड मी योर नेम ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को?